नमस्ते, मैं नरेश सुंदरदास कटारिया। मैं अभी माधवबाग के हॉस्पिटल खपोली मेन ब्रांच में हूँ। एक्चुअली ये हॉस्पिटल कहना गलत होगा, ये एक्चुअली मंदिर है। इनके यहाँ पे जो भी लोग मिलते हैं, जैसे थेरेपिस्ट हुए, डॉक्टर हुए, मेन डॉक्टर हुए, मेन फाउंडर हुए, मेन जो माधव सर हैं जिनके इंस्पिरेशन से रोहित सर ने ये चालू किया है, मतलब जो भी मैंने सुना है, अभी लिमिटेड टाइम में बोलना, वर्ड्स बहुत कम है, मेरा तो बहुत सुपर एक्सपीरियंस था। जो भी यहाँ पे थेरेपिस्ट हैं, इतना वो लोग प्यार से सर्विस करते हैं, कैंटीन में जो खाना देते हैं, वो जो रिसेप्शन पे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो असिस्टेंट हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ऐसे हॉस्पिटल का फीलिंग आता ही नहीं है। आज की बात बताता हूँ, मैं ट्रेडमिल पे स्ट्रेस टेस्ट कर रहा था, तो वहाँ पे भी डॉक्टर फेवरेट सॉन्ग पूछ के लगा देते हैं। और जो इन्वेस्टिगेशन भी जैसे होता है, जैसे खून निकालना हुआ या और भी कुछ हुआ, तो कोई हॉस्पिटल में मैं कभी हंसा नहीं हूँ। यहाँ पे एक ऐसा मोमेंट नहीं है जहाँ पे मैं हंसा नहीं था, एवरी टाइम एक लाफिंग मोमेंट था। वर्ड्स सीरियसली कम है, मैं जितना भी बोलूँ कम है, एक्सपीरियंस का चीज़ है। और जो यहाँ पे लेक्चर्स के लिए भी जो लोग आते हैं, स्पेशली डॉक्टर्स हुए या इवन जो इनके कामगार लोग हैं, वो भी जो लेक्चर देते हैं, ऐसे लगेगा नहीं कि लोग इनका डिग्री नहीं है। ऐसे ऐसे पॉजिटिव लेक्चर्स देते हैं कि वो आपके माइंड में एक छाप डाल के छोड़ देते हैं, और आपको वो करना ही पड़ेगा। जैसे एक्सरसाइज हुआ, डाइट हुआ, ये सब सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि उन्होंने ऐसे तरीके से हमको समझाया है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल तो नहीं बोलूँगा मैं, पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बोलते हैं हमारे पास मत आओ, अपना ख्याल खुद रखो, हमारे पास हाथ जोड़ते हैं मत आओ। दे ऑल्सो आर इन टू थिंक दैट यू शुड बी वेल, दैट्स इट। आई एम रियली हैप्पी विथ वॉट एवर दे हैव गिवन मी। एंड एक्चुअली आई डिडंट केम एज अ पेशेंट हियर, मैं अटेंडेंट के हिसाब से आया था, तो कैजुअल स्ट्रेस टेस्ट के लिए इन्होंने मुझे सजेस्ट किया। तो जो मुझे सर्विसेज जो मिली यहाँ पे, उससे मैं मेरा आगे का लाइफ, भले मैं पेशेंट नहीं था, बट जो मेरा आगे का लाइफ है वो मैं 101% इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। और आपको भी इंकरेज करूँगा, भले आप पेशेंट नहीं हैं, आप यहाँ पे एक बार ज़रूर आइए, ताकि आपको पता चलेगा कि हमारे लाइफ का क्या वैल्यू है। पेशेंट बन के मत आइए, एज अ ट्रिप, एक दिन का ट्रिप करके आइए, तो आपको पता चलेगा कि लोग क्या सर्विस देते हैं और आपको क्या करना चाहिए लाइफ के लिए। थैंक यू, नमस्ते।